हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैंची की धार किस तरीके से लगती है। तो मैं अभी कैंची की धार लगवाने के लिए जा रहा हूं, और जो मेरे पे कैंची है जो मैं यूज़ करता हूं, ये वाली कैंची है और ये जुपिटर कैंची है। और कैंची की वैरायटी मैं आपको मशीन वाले ब्लॉग में बता भी चुका हूँ। तो ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, इसके अंदर आपको तरीका पता चल जाएगा कि असल में कैंची की धार किस तरीके से लगाई जाती है। जो गलियों में आते हैं लगाने के लिए, वो एक टेम्परेली होता है, ठीक है, आप उसे लगा के यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे कैंचियाँ ख़राब हो जाती हैं। असल में कैंची किस तरीके से धार लगती है वो आपको पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। और दूसरी चीज़ कि आप जब कैंची की धार लगवाएंगे तो उस कैंची को यूज़ कैसे करा जाता है, यानी कैंची की धार तो लग गई, अब क्या कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो ये चीज़ भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैंची धार लगवाने के लिए हम जाएंगे अपने घर के पास में ही, थोड़ा मेरे से दूर है यहाँ से, करीब उत्तम नगर। तो उत्तम नगर मेरे घर से पड़ता है 3.5 किलोमीटर दूरी पर। और ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी कैंची वाले के यहाँ धार लगवानी है, कैंची धार लगवाने वाले किसी भी बंदे के पास आप जा सकते हो। आपके घर के आसपास कोई ना कोई कैंची वाला जरूर होगा, नहीं तो आप किसी टेलर वाले से पूछ लो वो अपनी कैंची धार कहाँ लगवाते हैं, या किसी नाई से पूछ लो, क्योंकि वो कैंची धार ज़्यादातर किसी कैंची वाले के पास ही लगवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले एक बच्चा है 9 साल का, रियान जावेद, वो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा देखता है। तो उनकी मम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा था एक बार बेटे का नाम जरूर लेना। तो रियान जावेद, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, वीडियो के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूर करते रहें और अपनी अम्मी और अब्बू की बात कहना भी माना करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, डायरेक्ट शॉप पे चलेंगे और आपको पूरी कैंची की मतलब प्रोसेस दिखाता हूँ, और इसका यूज़ कैसे किया जाता है धार लगने के बाद वो भी आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कैंची धार लग गई और आप एकदम कटिंग करने लगो तो कैंची ख़राब हो जाएगी, कैंची को यूज़ कैसे करना है तो इस ब्लॉग में आपको पूरा दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, अब मिलते हैं सीधा कैंची की दुकान पर। तो दोस्तों, कैंची की धार लगवाने से पहले मैं आया हूँ अपने दोस्त की दुकान पर, और आप लोग पूछ रहे थे कि बुटीक बंद क्यों करी, तो मैं बताना चाहता हूँ, बुटीक बंद मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, पैटर्न कटिंग करने होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देनी होती हैं। तो अपने घर के पास अपने दोस्त की बुटीक ओपन करवाई है। इनकी बुटीक का जो नाम है वो आयशा बुटीक, तो आयशा बुटीक इनकी बुटीक का नाम है। अगर आप घर के पास आते हो सूट बनवाने के लिए तो आप आयशा बुटीक से कपड़े बनवा सकते हो। और मैं आपको इनका एक बार फेस भी दिखाता हूँ, इन्हीं से मैंने कटिंग वगैरह भी सीखी है। आपको पहले भी एक बार बताया था, आयशा फैशन करके इनका यूट्यूब चैनल था, लेकिन वो किसी कारण नहीं बनवा पाए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अब बहुत ही जल्द, क्योंकि इनको घर के पास मैं लेके आया हूँ, तो इनके साथ ही मैं एक चैनल भी बनाऊँगा बहुत ही जल्द। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो इनके साथ भी एक चैनल हम जरूर बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको इनकी थोड़ी लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है दोस्त और ये अभी काम बना रहे हैं। इनकी भी दो मशीनें देखेंगे आप, मैकी की और जैक की, और ये मैकी मशीन को यूज़ करते हैं। अच्छा बबलू भाई, ये बताओ मैकी मशीन ज़्यादा बढ़िया चलती है जैक की? मैकी को ज़्यादा पसंद करते हो हम जी। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए बबलू भाई हैं, और इनका ही यूट्यूब चैनल था जो आयशा फैशन करके था, लेकिन कुछ क्वालिटी की वजह से, किसी वजह से ये नहीं बना पाए। लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर बहुत ही जल्द इनका एक चैनल बनाऊंगा साथ में मिलकर, इसमें अच्छी क्वालिटी हम देने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं से ही मैंने कटिंग सीखी है, आप लोग जो कहते हैं ना कहाँ से कटिंग सीखी, तो भाई फेस दिखा दो एक बार अपना यार, पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो और ये भाई हमारे पीछे बैठे हैं, ये सलीम भाई हैं, इनकी भी आ रहे समाज पे जो है एक बुटीक है। भाई क्या नाम है आपकी बुटीक का? गुलशन बुटीक, गुलशन बुटीक। तो ये आ रहे समाज पर है। तो देखिए, मैंने अभी घर के पास ही, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कुछ लोकेशन वगैरह, जो आप ये रोड देख रहे हैं सामने जा रही है, ये रोड मेरी बुटीक वाली रोड है, ठीक है, पिलर नंबर 761 पर। और यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, आप देख सकते हैं हाफ रोड बनी है, और इस साइड से ये जो रोड जा रही है ये है पिलर नंबर 761 वाली, जो कि आपकी मेट्रो पिलर नंबर 761 के सामने वाली गली है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कभी भी कपड़े बनवाने अगर आस पास हैं तो हम। और यहाँ पर आयशा फैशन है, अभी यहाँ पर कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा, लेकिन मैं थोड़ी इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ आपको, तो आप इसकी लोकेशन देख लो। ये इस तरीके से देखिए बुटीक दिखती है, अभी बोर्ड वगैरह सब यहाँ पे लग जाएगा, तो छोटी सी यहाँ पे शॉप है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कैंची वाले के यहाँ पर और आपको कैंची धार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अब कैंची धार लगवाने के लिए, और देखिए कैंची धार लगने के लिए भाई ये वाला, इससे धार लगती है, और वो जो मेन है उससे होती है शान, तो वो कैसे होगी वो हम आपको बताएँगे। और सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ, आप ना कैंची खोल के दिखा देना, एक मिनट रुक जाऊँ। सबसे पहले तो इनकी जो शॉप है ये है, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, ये करीब 22 साल पुरानी इनकी शॉप है, चांदनी शान हाउस के नाम से, कुम्हार कॉलोनी,
और ये उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास आओगे तो किसी से भी आप पूछो पाली फैक्ट्री कहाँ पर है, अगर आप आसपास रहते हो तो आप इनके यहाँ से लगवा सकते हैं। अब देखिए कैंची धार लगने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है भाई, ये वाला नट खोलने का जरूरत है। हाँ ये नट खोलते हैं, देखिए पूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैंची धार लगती कैसे है। और भाई मेरी है ना कटिंग की कैंची है, तो आगे की जो नोक है ना थोड़ी गोल रखना, कटिंग कैंची को हमेशा नोक गोल रखवाता हूँ मैं, जिससे कि कपड़ा भगता नहीं है। अब देखिए इन्होंने खोल दी, अब ये इस तरीके से देखिए लकड़ रखेंगे और ये देखिए धार लगनी स्टार्ट। अच्छा भाई जो दूसरी वाली कैंची लगाओगे ना जरा उसमें कालक भी दिखा देना, जो जम जाती है ना कालक वगैरह, तो देखिए इस तरीके से ये लगा रहे हैं धार आप देखिए। तो वैसे तो हम बाहर ही होते लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए मैं अंदर आया हूँ क्योंकि इसका मसाला उड़ता है ना कैंची का। तो आप देखिए कितनी चिंगारी है ना, इसी से कैंची आपकी बढ़िया होती है। अब देखो इन्होंने साफ कर ली भाई, दोबारा दिखाना इसकी जंग कैसी होती है। देखो कैंची में ना ऐसी जंग हो जाती है, ये इस तरीके की मैं फोकस करता हूँ। अब ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा एकदम, देखिए अभी ये लगाते हैं इसे साफ करेंगे, इससे तो एक तरीके से कैंची साफ होती है भाई इससे। इससे कैंची साफ होता है, कैंची सेंटर में लाते हैं। अच्छा थोड़ा तेज बोलो, कैंची कैंची से जंग साफ करते हैं, कैंची सेंटर में लाते हैं, बराबर लाते हैं। अच्छा बराबर ठीक है, और मेन काम इसका किससे होता है क्योंकि ये तो धार हो गई। अच्छा मेन काम उससे होगा, चलो उसका ब्लॉग अभी हम बनाएंगे। अब देखो पहले कितना जंग था, वो ये देखिए इससे साफ़ हो गया और थोड़ा बहुत जो 19-20 था वो ठीक कर दिया। तो ये कैंची रेडी हो गई, अब मेन होगी शान। तो चलिए हम अब शान को आपको दिखाते हैं शान कैसे लगती है, क्योंकि इनका जो नाम है चांदनी शान हाउस वो इसी के ऊपर होता है, क्योंकि बिना शान के ये कैंची सही नहीं होगी और कैंची सही नहीं चलेगी। तो ये देखिए चिंगारी देख रहे हो आप, पूरा का पूरा ये कैंची। और एक चीज़ हो रहा है, कोई भी कैंची वाला गारंटी नहीं देता, अगर कैंची धार लगाते हो आपकी कैंची टूट गई तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसका कोई भी रुपया वो नहीं देगा, सही है ना भाई। हाँ चलो अब आप शान दिखाओगे, चलो मैं आपको इसकी शॉप दिखाता हूँ। देखिए ये शॉप पे थोड़ा वो सामान भी बेचते हैं, आपने देखा होगा नाइयों के पास जो सामान होता है टिश्यू पेपर वगैरह और भी बहुत सी चीज़ जिलेट, ये मतलब ये तो खैर अपना काम नहीं है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ छोटी सी, इसमें इन्होंने ये भी रखा है। अब ये लगाने जा रहे हैं शान, तो मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ, हट जुबेर हट मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ईंट से ये ऐसे कर लिया, और अब ये देखिए अब ये लग रही है, ये है असली धार, इसे कहते हैं शान। तो ये प्रोसेस होने के बाद कैंची फिर भी हम नहीं चलाते कपड़े पे डायरेक्ट, इसका भी एक तरीका होता है, उसको मैं आपको घर पे जाने के बाद दिखाऊंगा। पहले क्या करना भाई, भाई पहले पेपर काटे, पेपर से क्या होता है पेपर काटने से बात ये होता है कि फुल्ली झड़ जाते हैं, सही चलते हैं। अच्छा मतलब इसकी धार सही हो जाती है, जो थोड़ी बहुत होती है वो अच्छी चलती है। हाँ मैं वैसे ही करता हूँ, लेकिन पेपर कैसे काटा जाता है वो मैं दिखा दूंगा ना घर पे जाकर एक बार। और टाइम क्या हो रहा है इस टाइम छोटू बताइयो, 7:30 बज रहे हैं शाम के, और ये वीडियो मैं रात तक अपलोड कर दूंगा बनाकर, कोशिश यही रहती है कि रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड कर दूँ। और बहुत ही जल्द कैमरा भी लेने वाला हूँ मैं, जिससे कि अच्छी क्वालिटी आई। आप देख रहे हैं ना बिल्कुल सिंपल, ये देखिए शान। अगर कोई भी कैंची वाला आपको सिर्फ उसी से कैंची लगा के दे रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बिना शान के कैंची ना लें, क्यों भाई सही कह रहा हूँ। तो आप शान जरूर लगवाएं, शान लगवाने के बाद इसकी गेटअप आती है। अब देखिए इन्होंने ये कर दिया, अब ये देखेंगे इसकी धार वगैरह सीधी है, चला के एक बार देखते हैं खुद। भाई इसकी ना नोक गोल करनी है, कटिंग वाली है। अब ये नट को कसेंगे यहाँ पर, ये इन्होंने लगाया यहाँ पर, अब कई कैंची वाले उल्लू में बनाते थे, मैं भी जहाँ लगवाता था ना वो कहते थे ये कैंची चाइनीज होती है खुलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है देखो। अच्छा कैंची धार लेते कितने की, हम 25 रुपये लेते हैं कैंची धार की। और ये देखो थोड़ा ये भी घिसना पड़ रहा है जिससे कि नोक अच्छी बैठे, अब ये नोक गोल हो रही है भाई, अपना घुटना हटाना थोड़ा, ये देखो ये नोक गोल कर रहे हैं, ये मैं गोल जरूर करवाता हूँ, मुझे कटिंग के लिए चाहिए होती है। तो ये नोक इस तरीके से गोल कर दे, इससे क्या होता है ना कपड़ा फंसता नहीं है, तो ये बोलना पड़ेगा आपको, आप जहाँ भी जाओगे कि भैया नोक गोल रख देना। अब लास्ट काम इसका देखिए, ऑयल ऑयल लगा के दिखाएंगे ये, अच्छा थोड़ा भी टाइट वगैरह कर देंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इनकी शॉप चांदनी शान हाउस और 22 साल पुरानी इनकी शॉप है, पाली फैक्ट्री के पास कुम्हार कॉलोनी। देखो जी ये देखो कैंची कितनी बढ़िया, कैंची का कमाल, ये मतलब कपड़े पे रखती कपड़ा गायब। अब इस पे यहाँ पे इन्होंने देख लिया, अब यहाँ पे ऑयल लगा देंगे, अब ये ऑयल को हम बंद करके जाएंगे घर पे
और अभी इसका एक काम हो रहा है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। कभी भी कैंची आपको धार लगवानी हो तो आप इसी तरीके से धार लगवा सकते हैं। तो ये देखिए कैंची हमारी धार लग चुकी है और इसकी चमक मैं आपको थोड़ी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। चलो चमक मैं आपको घर पे दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो इस तरीके से कैंची धार लगाई जाती है हमारी शॉप का। एक मिनट दोबारा से भाई आप बता दो, मैं पहले थोड़ा बता दूं अपनी तरफ से, आपकी कितने साल की पुरानी दुकान है? ये 22 साल पुरानी दुकान है। क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। और इस दुकान का नाम? दुकान का नाम है चांदनी सान हाउस। अब एक बार एड्रेस बता दो, आप उत्तम नगर से आना हो तो कैसे आओगे? पाली फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री मशहूर है हमारा, ठीक है। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरो, वहाँ से पूछो किसी से कि पाली फैक्ट्री जाना हमारे को, कुमार कॉलोनी में धार की दुकान है, उसमें मशहूर है। RJ 32 प्रजापत कॉलोनी, ठीक है। बाकी इनका मैं एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप दिल्ली में आसपास रहते हो और आपको कोई धार वाला बढ़िया नहीं मिलता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहीं से धार लगवाओ, बहुत अच्छी कैंची धार लगाई जाती है। तो दोस्तों अब आ चुका हूं मैं अपने घर पे और ये देखिए कैंची, कैंची को आपको मैं क्लोज से भी दिखाऊंगा। और दूसरी चीज ये कि दोस्तों कैंची की जो धार लगती है, आपको जो नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस भाई का नंबर पे आप कैंची मत मंगवाना, क्योंकि मैं आपको खुद रिकमेंड कर दूंगा कि आपको कहाँ से मंगवाना है, कौन सी जगह सही है। मैं ज्यादा पर्सनली उनको नहीं जानता, आप वहां से जाके कैंची खुद परचेस कर लें, या आप कैंची आसपास दिल्ली में रहते हो तो पूरा एड्रेस उन्होंने बता भी दिया था, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से कैंची जाके धार लगवा सकते हो, और यकीन मानो मैं उनसे कैंची धार लगवाता हूं, उनकी कैंची की धार बहुत बढ़िया है। अब सबसे पहले मैं आपको पास से कैंची दिखाता हूं। तो ये देखिए थोड़ी सी यहाँ शाइनिंग हो गई, जो वहां पे आपको दिखाया था कि इस तरीके की जंग हो गई थी, साफ करनी होती है पहले वाले से। दूसरे शाम से इसकी धार लगती है, लेकिन अभी धार अगर मैं कपड़े पे काटूंगा ना तो होगा क्या दोस्तों, इसकी धार कट जाएगी। और ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे नोक जो है ना, ये नोक को मैं थोड़ी गोल करता हूँ, आप ध्यान देंगे अगर मेरे यहाँ पे हाथों पे, तो इस जगह पे देखिए नोक हल्की सी गोल है। ये जब हम डबल कपड़े को इस तरीके से जब हम ऐसे काटते हैं ना, तो नीचे वाला कपड़ा जो है ना फंसता है, तो इसलिए हम गोल कराते हैं। ये पूरी डिटेल आपको मैं इस ब्लॉग में दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कैंची धार लगवानी हो तो कटिंग कैंची के लिए स्पेशल, देखिए ऐसे चलती है कटिंग कैंची, कभी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो अगर आपकी नोक गोल नहीं होगी और ये चीज उठी हुई होगी बराबर, तो आपका कपड़ा यकीनन फंसेगा। अब क्या करना है, देखिए पेपर ले लिया छोटा सा, इसको आराम से ऐसे ऐसे, इससे काटने से क्या होगा दोस्तों, ये जो धार है ना इसकी, ये धार सीधी हो जाती है। और मैं कोई भी कैंची यूज करता हूँ तो मैं हमेशा सबसे पहले पेपर को इस तरीके से कटिंग करता हूँ, इससे धार आपकी एक सेट हो जाती है, कैंची चलते हुए फिसलती नहीं है, कपड़े को आप फिनिशिंग से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं हमेशा बिना इसके यूज करता ही नहीं, तो इससे कैंची की लाइफ भी बढ़ जाती है। डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग ना करें, आप हमेशा पहले हल्के पेपर पे, न्यूज़पेपर हो, नॉर्मल कोई हल्का पेपर हो, इस तरीके से आप दोस्तों कटिंग कर लें। और ये मैंने अभी थोड़ा करा, इस जैसे दो तीन ले लें और इसको कर लें बढ़िया तरीके से। उसके बाद देखिए मैं नई कैंची तो मैं तो करूँगा ही, तो यहाँ पे आप नोक को भी ऐसे कर सकते हो, इस हिस्से को, ये हिस्सा मेन होता है ना, इसको ऐसे ऐसे करके कर लो, यहाँ की धार बढ़िया हो जाएगी, देख रहे हैं हम। अब मैं इसको उसके बाद इसका ऑयल पोंछ देता हूँ, जो ऑयल लगा के देखे भाई वो ऑयल भी पोंछना जरूरी है। और कुछ टाइम तक मेरी आदत है, जब मैं कपड़े को कटिंग करता हूँ तो यहाँ पे रुआ फंस जाता है, तो अपने हाथों से, हाथ ना काटे, आराम से ऐसे करके रुआ भी उतार लेता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, रुआ अगर नई कैंची में चिपकेगा जब तक ये शाइनिंग है, तो उससे भी धार कट जाती है। तो थोड़ा थोड़ा एक आध दो दिन आप इस तरीके से साफ कर लें रुआ, कपड़ा काटते हैं, उसके बाद आपकी कैंची जब सही हो जाएगी फिर आप जैसे मर्जी कपड़ा काटें। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा कैंची का ब्लॉग बता चुका हूँ, और आपको इस ब्लॉग के अंदर लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपको मैं ये भी दिखा रहा हूँ काम की चीजें, ये काम की चीज है क्योंकि अपना मेन हथियार है ये। अगर इस तरीके का कोई औजार आपके पास है तो इससे आप अच्छी स्पीड में काम कर सकते हो, ठीक है, कटिंग कर सकते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और जरूरी नहीं है कि आप इसी जो धार वाले को मैंने दिखाया कि इसी से आप धार करवाएं, हो सकता है आप मुंबई रहते हो, महाराष्ट्र में कहीं पे मतलब रहते हो, पुणे साइड रहते हो, या हो सकता है छत्तीसगढ़ रहते हो, तो ऐसी जगह पर आपके पास में कोई ना कोई कैंची वाला जरूर होगा, आप उसको इस तरीके से लगवाएं। याद रखना एक धार लगने के बाद जो शान होती है ना, जो मैंने आपको दिखाई थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी आपको उल्लू बना के या बिना खोले मशीन को ऐसे ही कर दे तो आप उसको बोलो नहीं भैया खोल के ही लगाओ, तो ये कई लोग उल्लू भी बना देते हैं, तो इस चीज का आप खासतौर पर ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसे लगा हमें जरूर बताएं, और आगे आप किस तरीके के ब्लॉग देखना चाहते हो हमें कमेंट करके दोस्तों आइडिया भी दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।